नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब समय है यमुनानगर की कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। यमुनानगर प्रताप नगर वन विभाग की टीम ने नहर की पटरी से खैर के पेड़ काटते 3 लकड़ी तस्करों को पकड़ा। लकड़ी तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। काटे गए पेड़ को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। कलेसर फॉरेंस रेंज की रात को गश्त कर रही टीम ने NH पाउटा के समीप गांव बहादुरपुर के पास पश्चिमी यमुना नहर की पटरी किनारे लगे खैर के पेड़ काटते 3 लोगों को धर दबोचा है। चंडीगढ़ सचिवालय में क्लर्क की सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लोगों ने बिलासपुर निवासी रमन से 2 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने उच्च अधिकारियों से अच्छी जान पहचान बताकर युवक को अपने झांसे में फंसाया है। इसके बाद उससे रुपए ठग लिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगवाई गई। नौकरी न लगने पर प्रभावित युवक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने 3 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल खोलने के साथ बच्चों में भी कोरोना संक्रमण वार करने लगा है। जिले में 7 स्कूली छात्रों सहित 11 कोरोना के नए केस मिले हैं। छात्रों के संक्रमित मिलने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, जबकि 5 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक जिले में 6,940 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 6,756 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 8 केंद्रों पर 176 लाभार्थियों ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया है। पर्यटन में संभावनाओं को जानने के लिए शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री केरल के विशेष दौरे पर हैं। प्रवक्ता के माध्यम से बताया गया है कि हरियाणा राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दिल्ली से नजदीक होने के कारण यहां ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं। पर्यटकों के लिए हरियाणा में हम क्या क्या करें और क्या सुविधा दे सकते हैं, ये जानने के लिए अधिकारियों के साथ केरल का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को केरल की विधानसभा के अधिकारियों ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि केरल में बहुत से प्रकार से पर्यटन टूरिज्म बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब को देखकर वो योजनाएं बनाएंगे। ये थे यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।